पहले ये खत्ते में पानी में डालता हूँ। समोसा दाबेली कभी नहीं सुना है, सच बोलो तो कहीं है नहीं, पूरे भारत में नहीं है। यहाँ तो ठीक है, कहीं सुनो तो पूरे भारत में नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं खाते सब राजी हो जाते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त चेतन। फ्रेंड्स, आज मैं पहुँच चुका हूँ एक नए लोकेशन में। मैं आज आपके लिए यूनिक फूड लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं समोसा दाबेली। ये जो फूड जॉइंट है इन्होंने स्टार्ट किया था, इट्स बीन मोर देन 27 इयर्स और ये पूरे सौराष्ट्र में इन्होंने इन्वेंट किया था। तो चलिए देखते हैं ये बनता कैसा है। ये खट्टा मीठा पानी है। ओके, ये मीठी चटनी है। हाँ, ये खट्टी चटनी है। हाँ, ये लहसुन की चटनी है। ये प्याज है, ये समोसा है और ये सेव है। ओके, पहले ये खट्टे मीठे पानी में डालता हूँ, इसके बाद मीठी चटनी डालता हूँ और खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी। ओके, ये लहसुन की चटनी, ये प्याज और ये समोसा और ये सेव। सेव ये बन गया अपना दाबेली समोसा। ये मीठी चटनी, ये खट्टी चटनी, ये लहसुन की चटनी तीखी। ओके, ये प्याज, प्याज और ये सेव। जिसको जैसा खाने, मीठा खाना है तो मीठी चटनी डालता हूँ, खट्टा खाना है तो खट्टी भी डालता हूँ और जिसको तीखी खानी है उसको तीखी भी डालता हूँ। मेरा नाम घनश्याम है। आपका नाम घनश्याम है। ओके जी, तो घनश्याम जी आप बताएंगे कि आपने ये दाबेली समोसा कभी इन्वेंट किया था। मैंने 1971 में स्टार्ट किया। ओके, उसी टाइम से ही चला आ रहा है। सब जब छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। ओके, उसी टाइम पे हमको एक पैसे की मिलती थी, उसका सवाल मेरे जेब पे रह गया। अच्छा, जेब में रह गया, रह गया। ओके ओके ओके, उसके बाद मैं अपना गांव छोड़ के यहाँ को आया। ओके, क्या धंधा करूँ क्या ना करूँ वो मेरे मन में नहीं बैठता था। ओके, मसाला दाल और दाबेली दोनों मैंने चालू की। ओके, स्कूल पे आके, सौराष्ट्र स्कूल पे आके मैंने चालू की। ओके, उसी टाइम से ये मेरा धंधा चलता है। ये धंधा बढ़ गया तो मैंने दाल बेचना बंद कर छोड़ दिया। अच्छा। तो आपकी जो समोसा दाबेली है वो और कहीं पे भी जाती है और पार्सल जाता है? बॉम्बे भी आता है पार्सल, सूरत जाता है, अहमदाबाद जाता है, या आजू बाजू गाँव है ना शहर में सब जगह जाता है, कच्छ जाता है, जामनगर जाता है। सच बोलो तो अंकल, मैं मतलब काफ़ी जगह मैंने शूट किया है लेकिन मैंने आज तक तो समोसा दाबेली कभी नहीं सुना है, सच बोलो तो। कहीं है नहीं, पूरे भारत में नहीं है। यहाँ तो ठीक है, कहीं सुनो तो पूरे भारत में नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं खाते सब राजी हो जाते हैं। ओके, आज खाई, एक बरस के आओ बाद में आओ तो भी ऐसा स्वाद मिलेगा, 10 बरस के बाद आओ तो भी ऐसा मिलेगा। नाम घनश्याम है, तो आपको साई बोलते हैं, तो मतलब जैसे कि अगर आप, मैं किसी पूछा साई की दाबेली कहाँ है तो किसी को भी पता है, तो ये नाम साई कैसे पड़ा आपका? साई का नाम जब स्कूल में सारे सब जब आते हैं सभी खाने, तो नाम किसको किसी ने पूछा नहीं। ओके ओके, हम सिंधी में बात करते थे, सिंधी में बात करते करते सब ने बोला ये तो साई है। ओके, साई के हिसाब से मैं, आपका नाम साई हो गया, उस हिसाब से साई दाबेली ऑल ओवर सौराष्ट्र में फेमस हो गई, पूरे भारत में फेमस हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो दाबेली समोसा है खाने में डेफिनेटली यूनिक है, डेफिनेटली इट इज़ अ यूनिक डेलिकेसी है वेबो कम अक्रॉस। जो ये कॉम्बिनेशन है चटनियों का, इन्होंने इसमें 3 या 4 टाइप की चटनी मिलाई है, साथ में जो समोसे का टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है। सो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है। हम जो अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। चलिए गाइस अभी टेस्ट करते हैं इनका समोसा। जैसे कि आप देख रहे हैं समोसे के ऊपर चटनी है, ऊपर से सेव भी है। सिंपली अमेजिंग।
मैं ऑनेस्ट, मेरा पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा, मुझे लगता है मुझे और एक बार खाना ही पड़ेगा। आई सिंपली लव द टेस्ट ऑफ दाबेली समोसा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई एम श्योर मैं और एक बार आके ज़रूर खाऊंगा। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट ट्राई फॉर ऑल द फूडीज। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हैप्पी स्पेस चिकन ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक विद द सेम नेम। कीप शेयरिंग माई वीडियोज, कीप लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू।